नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवीपी मीडिया ग्रुप न्यूज बुलेटिन। लीलावती वर्मा ने बगरू विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांगों को कंबल बांटी। राजस्थान के बगरू विधानसभा क्षेत्र का युवा समाज सेविका और जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव लीलावती वर्मा की ओर से बाबा रामदेव मंदिर प्रताप नगर जयपुर में दिव्यांगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरण किए गए। ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकेप्ड संस्था की ओर से दिव्यांग दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह की संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष फूलचंद सकरवाल ने अध्यक्षता की। दिव्यांगों को कंबल वितरण समारोह में जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता विमल यादव, नगर निगम में उपनेता प्रतिपक्ष धर्म सिंह सिंघानिया, एससी कमीशन के सदस्य रहे राजेंद्र बैरवा, रेगर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर एस के मोहनपुरिया, राजस्थान कांग्रेस कमेटी की सचिव संगीता गर्ग, सांगानेर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बिरधी चंद शर्मा, नगर निगम वार्ड 49 के पार्षद मोहनलाल मीणा, पार्षद सुमन गुर्जर, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव यशवीर सूरा, राजस्थान किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय व्यास, किसान कांग्रेस के महासचिव रामस्वरूप मीणा, रिटायर्ड आरएएस नाथुलाल वर्मा, रिटायर्ड डीएफओ माता दीन समेत शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति क्षेत्र के गणमान्य लोग विशिष्ट अतिथियों के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रीय अध्यक्ष फूलचंद सकरवाल ने स्वागत उद्बोधन एवं संस्थागत गतिविधियों का परिचय दिया। समारोह में दिव्यांग लता ने कविता सुनाई और लीलावती वर्मा के इस समाज सेवी कार्यक्रम की सराहना करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। वहीं दिव्यांग चंदन वर्मा ने दिव्यांगों की दशा दिशा पर विचार व्यक्त किए और राजस्थान से पहली बार दिव्यांगों की फुटबॉल टीम का परिचय दिया। मंचासीन अतिथियों ने दिव्यांगों को नीचे उतरकर उनके स्थानों पर ही सम्मान पूर्वक कंबल भेंट किए और कुछ चलने में समर्थ दिव्यांगों को मंच पर भी कंबल भेंट किए गए। कंबल पाकर दिव्यांगों के चेहरे की खुशी से माहौल खुशनुमा और सेवा भावी हो गया। कार्यक्रम में आए सैकड़ों दिव्यांगों ने समाज सेवी लीलावती वर्मा और उनकी टीम का आभार जताया। कार्यक्रम का मंच संचालन जेवीपी मीडिया ग्रुप के एंकर संपादक हरिराम किवाड़ा ने किया। कार्यक्रम के अंत में संस्था की राजस्थान ब्रांच सेक्रेटरी लीलावती वर्मा ने सभी आए हुए अतिथियों का आभार जताया और सबको अल्पाहार करवाकर धन्यवाद दिया। इस अवसर पर दिव्यांगों की सेवा में कार्यरत दो सिस्टर्स का भी सम्मान किया गया और महिला सशक्तिकरण के लिए ताराबाई को सम्मानित किया। कार्यक्रम समाप्ति पर सभी दिव्यांगों को उनके आवासीय संस्थान में सम्मान पूर्वक पहुंचाया। मानव सेवा के इस कंबल वितरण कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। हमसे बगरू विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांग जनों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है, एक समाज सेविका के रूप में। और आज जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत से सीनियर मोस्ट पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम बहुत अच्छा समाज सेवा का कार्यक्रम है। किस तरीके से, किस विजन और मिशन को लेकर आपने इस कार्यक्रम को आज किया? मेरा जो आज का मोटिव था वो यही था कि हम हमेशा और चीजों पे ध्यान देते हैं लेकिन दिव्यांगों के बारे में सोचना और उनके बारे में सोचना भूल जाते हैं कि वो भी बहुत अच्छे पर्सन है जिनके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं और उनकी सेवा हम कर सकते हैं। अधिकतर कंबल वितरण का जब भी कार्यक्रम होता है तो हम गरीब लोगों को ऊपर ध्यान देते हैं और दिव्यांग बच्चों पे, दिव्यांग माताओं पे इन पे ध्यान नहीं देता है। इनको हाईलाइट करने का जो था, मैं अपनी संस्था का भी हाईलाइट करना चाहती थी कि हमारी भी एक संस्था है जो दिव्यांग बच्चों का एक सेवा करती है, उनका उनकी सारी जरूरतों को सुनती है, उनके उनकी परेशानियों को सॉल्व करती है जितनी भी उनकी दिक्कतें आती हैं। और हमारी जो अभी सरकार है मौजूद में,
वो मैंने देखा है कि हमारे दिव्यांग बच्चों को उनको काफी परेशानियां आ रही हैं, उनको अभी तक कार्ड भी नहीं बनाए जा रहे हैं और उनके कागज भी पूरे नहीं हो पा रहे, उनको काफी चक्कर लगाए जा रहे हैं जो कि उनको पॉसिबल नहीं है। हम नॉर्मल आदमी के भी काफी कार्ड होते हैं जिसमें भी हमको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में काफी परेशानी है। तो आप सोचिए जब दिव्यांग बच्चे होते हैं तो उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे पास यहाँ पे काफी दिव्यांग बच्चे आए हैं, माताएं बहनें हैं सब आई, काफी ऐसे दिव्यांग थे जो नहीं आ सकते थे, जो कि हमने उनको प्रॉमिस किया है कि हम उनके वहीं पे जाके उनको कंबल वितरण करेंगे। और भी आगे हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो कि क्रिकेट टीम में है, कोई फुटबॉल टीम में है, उनको भी हम आगे उनकी हेल्प करेंगे। उनकी जो मांग है ट्रैक सूट को लेके, उनकी ट्रैक सूट की मांग भी हम पूरी करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे संस्था के माध्यम से हम उनकी सारी मांगें जो भी हमसे पॉसिबल होता है वो हम सारी मांगें।